अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप 1xBet की गेम खेलते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 100% विनिंग ट्रिक जिस पे आप लाखों रुपए जीत सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा। तो यहाँ से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपना अकाउंट ओपन कर लिया है, इसकी सबसे पहले आपने कुछ सेटिंग्स है वो सेटिंग्स कर लेनी है ताकि आपको बेनिफिट भी साथ साथ मिलता रहे। तो वो सेटिंग कौन सी, सबसे पहले आपके पास इस तरह से मेन पेज ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अदर लिखा हुआ है। आप अदर पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इस कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। तो बस उससे पहले मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, आज की इस वीडियो में मैं आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ उस ट्रिक को मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ लगा कर दिखाऊंगा, बिल्कुल 100% रियल है। अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग यहाँ से कर सकते हैं, और 100% मैंने खुद इस ट्रिक को आजमाया है, बेस्ट ट्रिक है। अगर आपको ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे प्रोमो कोड पे आना है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा सेटिंग इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके इस ट्रिक को अप्लाई करेंगे उसके बाद आपको यहाँ से कैशबैक भी मिलता रहेगा। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कैशबैक, तो अब इस कैशबैक के ऑप्शन पे आ जाना है। तो सबसे पहले अब आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, तो आपने इसे यहाँ पे एक्टिव कर देना है। इसे एक्टिव करने से आपको जो है बोनस मिलता रहेगा आपकी जो भी बीट आप प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आपने इसे एक्टिव कर देना है, ये एक्स्ट्रा सेटिंग है, ये अगर आपके पास एक्टिव नहीं है तो इसे आप एक्टिव कर दें। तो आज की इस वीडियो में वो ट्रिक कौन सी है जहाँ से आप विन कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आ जाना है स्पोर्ट्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट के ऑप्शन पे आपने आ जाना है। जैसे ही आप स्पोर्ट पे आ जाएंगे तो उसके बाद आपके पास यहाँ पे आप देख सकते हैं एक लाइव है, उसके बाद यहाँ पे एक जनरल स्पोर्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लाइव में आपको ट्रिक समझा देता हूँ, उसके बाद आपकी मर्जी, आप लाइव में ट्रिक को अप्लाई करना चाहते हैं तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा 100% आपकी विनिंग होगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इस लाइव वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो आपकी मर्जी आप लाइव में लगाएं या आप प्री स्टार्ट गेमिंग में भी कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास बहुत सारे गेम्स आ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट होती है उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको पता होगा फुटबॉल पे अगर आप कुछ भी लगाते हैं तो फुटबॉल के जो मैच हैं वो आपको विनिंग पे होती है, तो आपके फुटबॉल के जो मैच हैं ज़्यादातर ड्रॉ होते हैं, तो यहाँ से आपको लॉस हो सकता है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे मोस्ट रिकमेंडेड करूँगा क्रिकेट पे। सिंपली आपने क्या करना है, क्रिकेट के किसी भी मैच को यहाँ पे ओपन करना है। इस क्रिकेट वाले मैच को यहाँ से हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्रिकेट मैचेस यहाँ पे हैं। तो अब आपने किसी भी यहाँ पे टीम पे आ जाना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जो ट्रिक मैं आपको समझाने वाला हूँ उस ट्रिक को आपने यहाँ पे गौर से समझना है, और उसको समझने के बाद ही आपने अप्लाई करना है, अदरवाइज आपको यहाँ पे लॉस हो सकता है। तो इस ट्रिक को आपने अब किस तरह से समझना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं दो हैं, एक है W2, उसके बाद है एक है W1। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने अकाउंट बैलेंस से आपने आपको जो भी यहाँ पे टीम अच्छी लगती है 100% विनिंग आपकी होगी, मगर आपने सबसे पहले ट्रिक को समझना है, समझने के बाद ही आपने आगे जाना है। अब आपने क्या करना है, आपके पास दो है तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक ट्रिक को यहाँ पे रिमूव करता हूँ। मैं यहाँ पे आपकी मर्ज़ी, आप इस टीम में आपको जो भी अच्छा लगता है टीम आप उस पर करते हैं, उस पर आप खेलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ, तो मैं W2 पे यहाँ पे खेलने की कोशिश करता हूँ। तो अब मैं ऐसा करूँगा, इस पर जाऊँगा और अंडर यहाँ पे मैंने इस पर खेलना स्टार्ट हो गया। तो अब मैंने आप समझे, ऐसा समझे कि मैंने यहाँ पे इसे लगा दिया है W2 पे। तो अब W1 को आपने क्या करना है, W1 को आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने W1 पे क्लिक करना है, और W1 पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसे एड टू बैट स्लिप कर देना है। तो इसे आप करने का क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले आपने एक पे बैट लगाई और दूसरी को आपने कर दिया एड टू बैट स्लिप, तो इसे आपने यहाँ पे एड टू बैट स्लिप करना है। तो इसे मैं कर देता हूँ, उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे भी, आप देख सकते हैं आपके सामने मैंने यहाँ पे भी कर दिया है, उसे मैंने एड टू बैट स्लिप कर दिया है। तो अब मैं नेक्स्ट इवेंट सेलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे मैं तीन इवेंट सेलेक्ट करूंगा इसी तरह से जो मैंने किया है दोनों पे, एक को मैं किसी भी एक को ऐड टू बैट स्लिप कर दूंगा और दूसरे पे मैं अकाउंट से खेल दूंगा, मतलब कि मेरा जो मेन अकाउंट है वहाँ से मैं लगा दूंगा। तो इसमें मैं खेल देता हूँ, उसके आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो सिंपली अब मैं यहाँ पे इससे खेल देता हूँ और उसे ऐड टू बैट स्लिप कर देता हूँ आपके सामने सामने। तो एक अकाउंट को आप मैंने यहाँ पे बैट स्लिप किया है, उसके बाद अगेन आप भी तीसरे इवेंट को कर सकते हैं, चार से ज़्यादा इवेंट कर सकते हैं, 10 इवेंट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है।
उसके बाद आपने क्या करना है, बैट स्लिप पे आ जाएंगे। बैट स्लिप में जो भी आपने इवेंट सेलेक्ट किए हैं तो उन पे आपने यहाँ पे आपने अपने अकाउंट से अगेन बैट कर देनी है। जितनी भी आप करेंगे तो यहाँ पे जितने भी इवेंट्स आप साथ साथ जो है आपने जितने भी इवेंट होंगे उसमें से अगर W1 वाला इवेंट जीतेगा तो आपका जो मेन इवेंट होगा, जो आपकी सीक्वेंस होगी, वहाँ से आप जीत जाएंगे। अगर आपकी वहाँ से नहीं जीतते तो सिंगल सिंगल इवेंट वहाँ से आप लगा आए हैं तो वहाँ से आप जीत सकते हैं। तो यह है ट्रिक, अगर आपको समझ में नहीं आई तो आपने वीडियो को दोबारा देखना है और आप इस ट्रिक को समझ जाइएगा। अगर आज की यह वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।